नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले की पीथमपुर पुलिस थाना सेक्टर एक को मिली बड़ी सफलता। थाना एक सेक्टर स्थित कंपनियों में चोरी करने वाले अज्ञात आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से कंपनी से चोरी की गई केबल, स्क्रैप, एसएस प्लेट, हाइड्रोलिक कप पंप एवं अन्य सामग्री को किया जब्त। सभी सामग्री की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही। आपको बता दें कि थाना एक सेक्टर में फरियादी के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करवाया गया था कि कंपनी के गोदामों में से लगातार अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की जा रही। इस पर धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अमित मिश्रा को निर्देश दिए गए। पीथमपुर सेक्टर एक प्रभारी संतोष कुमार दूधी के द्वारा पुलिस टीम बनाकर मुखबिर की सूचना पर जंगल में बंद पड़ी फैक्ट्री में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सामान को सुरक्षित किया जा रहा है, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तलाशी ली गई। आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ओपी पांचाल एंड सन्स एसपीएम कंपनी से चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कंपनी से चोरी किया गया का भी जब्त किया है। देखिए खबर है इसके लाइव न्यूज पर। अभी 4 सदस्यीय एक लखब जन गिरोह हमने जो है मुखबिर सूचना पर हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ करने पर पाया कि थाना क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में इनके द्वारा चोरियां की है। अभी 3 दिन पहले भी ओम प्रकाश पांचाल का एक गोडाउन है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक वायर और एसएस रोल, हाइड्रोलिक पंप, इस तरह से करीब 5 लाख रुपए का आइटम चोरी किया है जो बरामद हुआ है और अभी इनसे पूछताछ जारी है। पूर्व में भी इनके कई मामले हैं? नहीं, अभी पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं इनका, पहली बार गिरफ्तार। ठीक है सर, आपका नाम? संतोष जी।